Hey guys, मैं दीप्ति आपका क्विक रेसिपी फोल्डर चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तिल के लड्डुओं की रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई गर्म होने रखी थी, उसमें हम ऐड करेंगे सफेद तिल। गैस का फ्लेम जो है वो हमें मीडियम पे ही रखना है और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे काला तिल। दोस्तों यहाँ पे मैंने काले तिल की क्वांटिटी सफेद तिल के मुकाबले कम ली हुई है, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। अब मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे। अब इसे साइड रख देंगे और दूसरी कढ़ाई गैस पे रख देंगे। इस कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी हमारे लड्डुओं के स्वाद को और भी दुगना कर देगा। घी के मेल्ट होते ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी कटोरी गुड़। और यहाँ हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि घी की मदद से ही मीडियम फ्लेम पे ही हम हमारे गुड़ को जब चलाएंगे तो ये इजीली मेल्ट हो जाएगा। और ये लीजिए दोस्तों, इसके मेल्ट होते ही हम इसका टेक्सचर चेक कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसे चेक करेंगे, इसमें थोड़ी सी स्टिकनेस आ रही होगी और एक सिंगल तार बनेगी। इसका मतलब हमारा गुड़ रेडी है। इसमें हम ऐड करेंगे हमारे रोस्टेड तिल और उसे हम अच्छे से गुड़ के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस तिल को हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब इसी के साथ हम इसमें से लेंगे थोड़ा सा पोर्शन और लड्डू की शेप देंगे। इसी तरीके से हमारे सारे लड्डू प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये तिल के लड्डू की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। इसी तरीके की क्विक रेसिपीज के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्विक रेसिपी फोल्डर। थैंक यू।